दोस्तों आप लोग रामायण तो सभी देखे होंगे, लेकिन रामायण के लंका के तीन ही ऐसे वीर थे जो सबसे शक्तिशाली थी, पहला रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण। जी हाँ दोस्तों, आज उन्हीं तीनों किरदारों में से मैं एक यानी कुंभकर्ण के बारे में बताने जा रहा हूँ। आखिर कुंभकर्ण के पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई थी, कैसे हुई कुंभकर्ण की जन्म, क्या है उसका रहस्य जिसके कारण उसको इतना बड़ा विशाल शरीर मिला, किसका वरदान था जिसके कारण वो बहुत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञाता भी था। दोस्तों आज उसी के बारे में सुने पूरी वीडियो में कि इतना ज्ञानी होते हुए भी कुंभकर्ण ने अपने भाइयों का साथ किस तरह दिया, और ये भी बताया दिया कि भाई भाई क्या होता है, भाई की भुजा किस तरह होती है। दोस्तों आप इस वीडियो में देखे ही होंगे, तो सुनिए पूरी वीडियो में और किस तरह कुंभकर्ण को इतनी बढ़िया शरीर मिली, आज इस सब के बारे में आप लोगों के साथ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यदि बात की जाए रामायण की कथा, तो बताती है कि जब रावण के अत्याचारों के तीनों लोगों की शांति भंग हो गई थी और लोग परेशान होने लगे थे, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में सातवां अवतार लिया था। रावण के बारे में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वो बहुत ही ज्ञानी था, लेकिन साथ साथ अभिमानी भी था। उसे अपनी शक्ति पर भी अपार अभिमान था। उसे किसी प्रकार के अत्याचार को करने में दुख नहीं होता था, इसलिए उसके अत्याचार और गलत कर्मों की सूची बढ़ने लगी थी। रावण इतना अहंकारी और क्रोधी था कि उसे अपने भाइयों की भी सलाह पसंद नहीं आती थी। उसे गुमान था कि वो जो भी कर रहा है वो ही श्रेष्ठ और उत्तम है। विभीषण की तरह रावण का एक भाई और भी था जो उसके हर बुरे कार्य का विरोध करता था। उसके बावजूद भी युद्ध में रावण का पूरा सहयोग किया और भगवान राम का हाथों मारा गया। मैं बात कर रहा हूँ कुंभकर्ण की। आखिर कुंभकर्ण कितने दिन सोता था और कितना दिन जागता था और क्यों सोता था, इस सब के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कुंभकर्ण रावण का भाई था। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, लेकिन जब वरदान देने का अवसर आया तो माता सरस्वती उसके जीभ पर बैठ गई, जिसके कारण उसकी जवान लड़खड़ा गई और उसने इंद्रासन की बजाय निंद्रासन मांग लिया। बाद में उसे अपनी गलत का एहसास हुआ तो रावण के कहने पर ब्रह्मा जी ने उसे 6 माह तक सोने का वरदान दे दिया, लेकिन एक साथ ब्रह्मा जी ने एक चेतावनी भी दी कि इसके बाद केवल एक दिन के लिए उठेगा, लेकिन इसके पहले यदि कुंभकर्ण उठेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि बात की जाए तो कुंभकर्ण भी रावण की तरह ही ज्ञानी था। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो अत्यंत विद्वान था, उसे भी वेद शास्त्र का भी ज्ञाता था। वहीं जब कुंभकर्ण जागता था तो शोध कार्य किया करता था। कुंभकर्ण के पिता का नाम ऋषि विश्व था। कुंभकर्ण भूत और भविष्य का भी ज्ञाता था, इसलिए उसने रावण को कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी एक न मानी थी। कुंभकर्ण कैसे मरता है दोस्तों, ये पहले जानते हैं कि कुंभकर्ण को जब एक ज्ञात हुआ कि रावण माता सीता को हरण कर लाया है और अशोक वाटिका में रखा हुआ है, तो उसने रावण के इस कृत्य का विरोध किया। कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण मर्यादा और रिश्तों को निभाने वाला राक्षस था, इसलिए उसने रावण से कहा कि मैं जानकर भी अधर्म का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाई का साथ देने के लिए कहा गया है, लेकिन जो किया है उसे किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद कुंभकर्ण रावण की तरफ से भगवान राम की सेना पर टूट पड़ता है। कुंभकर्ण वानर सेना को तहस नहस कर देता है। वानर सेना में खलबली मच जाती है और अंत में स्वयं भगवान राम को कुंभकर्ण की युद्ध करने के लिए आना ही पड़ता है, और युद्ध में भगवान राम के हाथों उसका वध हो जाता है। कुंभकर्ण इस बात को भी जानता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है और भगवान के नाम से उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हो गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि लंका का सर्वश्रेष्ठ कौन था, कौन सबसे शक्तिशाली योद्धा था, आप ये हमें कमेंट में बताएं। और यदि भगवान श्री राम को आप सच्चे दिल से चाहते हैं और लाइक करते तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।